भेजता है, जैकेट भेजता है, शूज़ भेजता है, उनको चाहिए जब भी उनके पास कोई कस्टमर आए, कोई भी कस्टमर हो, क्योंकि कस्टमर नहीं आना है, वो तो आर्मी है, कौन है वो तो बाद में पता चलता है, इतना तो हम देख लेते हैं कि वो आर्मी वाला या कौन है, इतना तो हम देख लेते हैं। मगर मैं ये चाहता हूँ जब भी कोई आए उनका आईडी चेक करे, आईडी के बिना नहीं बेचना चाहिए। मैं ये चाहूँगा चैम्बर वालों को मैं ये बोलूँगा, आप इसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करें, क्योंकि ड्यूटी है, आगे काम का ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है, लॉकडाउन लगा हुआ है, हर काम में मुश्किल पड़ गई है, दुकानदार क्या कर। आपको लगता है गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ ऐसा प्रोविजन बनाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं। जैसे मैं भी कपड़ा बेचता हूँ, आर्मी का सामान बेचता हूँ, मेरे पास कस्टमर आता है, मैं बिना आईडी के चेक करके मैं देता ही नहीं, कोई भी हो, क्योंकि वो मेरे लिए कस्टमर है। आप जहाँ पर देखो ना, कोई भी कस्टमर होगा, जैसे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, वो ग्राहक नहीं आना, जब भी वो आते हैं, वर्दी कपड़ा मांगते हैं, सबसे पहले हम उनका आईडी चेक करते हैं। जब वो बोलते हैं कि आईडी मेरे पास नहीं है, वैसे उनके जेब में पड़ा होता है, वो बोलते हैं नहीं है, हम बोलते हैं हमारे पास वर्दी कपड़ा नहीं है, इसलिए हम पहले ही ना कर देते हैं। बाकी यही है कि वो जो जिस दुकानदार ने सामान बेचा है, तो वो कोई चोर थोड़ी है, कोई मिलिटेंस थोड़ी है, या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो एक दुकानदार है। ये गवर्नमेंट को चाहिए, उनको कहना चाहिए कि जब भी आपने कोई सामान बेचना है तो उनका आप आईडी प्रूफ चेक करें, उसके बिना नहीं।